गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ. आई एम ममता जोशी फ्रॉम टीटी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल. दिस इज योर ईवीएस बुक चिल्ड्रंस. प्लीज टेक आउट योर बुक्स व्हेन एवर आई एम रीडिंग द चैप्टर. दिस इज योर ईवीएस बुक ऑफ क्लास फाइव. एंड यस्टरडे वी हैव डन लेसन फोर. लेट्स क्लीन टुगेदर पार्ट फर्स्ट एक्सप्लेनेशन. ओके on page number 23. Today we are going to do the continue part 2 on page number 27. After I am starting the chapter. After some days when Radha was going to school, she saw a heap of garbage laying on the road. She did not like this. When she reached school, she discussed with the class fellows. Radha reminded the class fellows about their duty to keep their homes and school clean, but the roads were still dirty. What is the use of such cleanliness? Asked Radha. Pankaj interrupted and said, this is not our job. What can we do about it? Did you know we should circulate and tell the importance? Did you know is the topic in the pink column. We should circulate and tell the importance of cleanliness to all. हमने कल पढ़ा कि बच्चों ने स्कूल की सफाई की और स्कूल सफाई करने के बाद बहुत ब्यूटीफुल लगने लगी. उसके बाद राधा ने मन में ही एक संकल्प लिया कि आज से मैं मम्मी को घर पे भी साफ सफाई में हेल्प करूँगी. उसके बाद हमने ये भी ध्यान दिया है लर्न किया है कि हम अपनी सराउंडिंग्स क्लीन रखेंगे तो हम हेल्दी लाइफ जिएंगे. और उसके बाद फैक्ट टू नो में हमने पढ़ा कि क्लीन इंडिया कैंपेन सफाई अभियान भारत का सफाई अभियान जो गवर्नमेंट की तरफ से नेशनल लेवल पे चला था उसका मेन एम यही था कि स्ट्रीट रोड पब्लिक प्लेसेस कंट्री की हमें साफ रखनी चाहिए. मतलब साफ रखने का एम था इनका सरकार का. और ये हमारे श्री प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका संकल्प लिया था 2 अक्टूबर 2014 में राजघाट न्यू दिल्ली पे इसका संकल्प लिया था. अब आगे हम पढ़ेंगे ये राधा क्या सोचती है. कुछ दिनों बाद जब राधा स्कूल से राधा जब स्कूल जाती है तो उसने कचरे का ढेर देखा. बहुत सारा कचरे का ढेर देखा जो कि रोड पर था. उसको वो देख के बहुत ख़राब लगा, बहुत बुरा लगा. और वो जब स्कूल पहुंची तब उसने अपने क्लास फेलो के साथ ये बात डिस्कस की कि उसने याद दिलाया कि उस ड्यूटी के बारे में याद दिलाया. उसने अपनी वो ड्यूटी के बारे में याद दिलाया कि हमें हमारा घर और स्कूल साफ़ रखना चाहिए. ये तो हमने हमारी ड्यूटी है, पर रोड्स के बारे में क्या? रोड को कौन साफ़ करेगा? ये सफाई तो हर जगह रखनी चाहिए. इतने में उनमें से कोई एक क्लास फेलो था जिसका नाम था पंकज. वो बीच में बोला, इंटरप्टेड यानी वो बीच में बोला कि इसमें हम क्या कर सकते, ये हमारा काम नहीं है. रोड वगैरह साफ़ करने का काम हमारा नहीं है. वी शुड सर्कुलेट एंड टेल द इम्पोर्टेंस टू ऑफ क्लेनलीनेस टू ऑल. हमें सफाई की जो इम्पोर्टेंस है वो सबको बताना चाहिए कि सफाई से क्या क्या बेनिफिट्स है. ठीक है, अब फर्स्ट यू डिस्कस एंड टेल ये वाला है. हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ इट टू कीप द रोड्स एंड स्ट्रीट्स क्लीन. ये किसकी जिम्मेदारी है कि रोड और स्ट्रीट्स क्लीन करें. सेकेंड है हाउ टू प्रिवेंट द कलेक्शन ऑफ डर्ट एंड गार्बेज ऑन द रोड. जो रोड पे कचरा इकट्ठा होता है उसको कैसे प्रिवेंट किया जाता है, किया जा सकता है. और थर्ड है वॉट शुड वी डू टू कीप अवर लोकेलिटी क्लीन नीट एंड क्लीन. हमें हमारी लोकेलिटी नीट और क्लीन करने के लिए क्या करना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन है रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब हम लोग तो यही सोचते हैं कि स्वीपर है, स्वीपर ही क्लीन करेगा रोड्स और स्ट्रीट्स, वो उसकी ड्यूटी है. पर ईच इंडिविजुअल की ड्यूटी है कि वो बाहर कचरा ना फेंके, यहाँ वहाँ स्पिट ना करे, प्लास्टिक्स यूज़ करे तो सब कुछ डस्टबिन में डाले, कम से कम प्लास्टिक का यूज़ हो, ये सब ध्यान रखना है. कलेक्शन गार्बेज का जो भी है हमको उसके लिए डस्टबिन यूज़ करना चाहिए. और हमारी लोकेलिटी क्लीन करने के लिए रेगुलर वहाँ की क्लीनिंग करनी चाहिए. ठीक है, व्हाट शुड वी डू, हमको क्या करना चाहिए.
हु हेल्प अस टू क्लीन एंड टेक केयर ऑफ आवर स्ट्रीट्स। हमको कौन हेल्प करता है हमारा स्ट्रीट्स, हमारी हमारे एरिया क्लीन करने के लिए? स्वीपर जो होते हैं वो हेल्प करते हैं हमको। ओके, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू क्लीन अवर स्ट्रीट्स। ओके, तो आंसर है स्वीपर। हाउ डू दे ट्रीट द वेस्ट, वेयर डू दे टेक इट। वो लोग वेस्ट का क्या करते हैं? वो वेस्ट को जला देते हैं एक जगह, पूरे कॉलोनी का एक जगह सारा वेस्ट इकट्ठा करके, कोई चीज़ होती है जो रिसाइकल हो सकती है उनको अलग करके दूसरे वेस्ट को जला देते हैं, और जो चीज़ रिसाइकलिंग की होती है, रिसाइकलिंग होने लायक होती है, उसको रिसाइकलिंग के लिए भेज देते हैं। व्हाट डिफ़िकल्टीज डू दे फेस ड्यूरिंग दिस वर्क। उनको ये साफ सफाई ये काम करते हुए उनको कोई प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं वो लोग? तो उसमें से तो बहुत सी बैड स्मेल आती है, वहाँ पर बहुत सारे मॉस्किटोज़ होते हैं, तो वो सब उनको फेस करना पड़ता है, वहाँ की बैड स्मेल, मॉस्किटोज से बचना होता है, तो ये डिफ़िकल्टीज़ वो लोग फेस करते हैं। उसके बाद हमको एक व्हाट विल हैपन इफ गार्बेज लिंग अराउंड योर स्कूल और हाउस इज़ नॉट रिमूव फॉर अ वीक, थिंक एंड टेल में है। तो उसमें ऐसा है कि अगर हमारे एरिया में अगर गार्बेज वहीं पड़ा रहेगा तो बीमारियाँ फैलेगी मॉस्किटोज के थ्रू, इसीलिए क्लिनलीनेस रेगुलरली होनी कंपल्सरी है। ठीक है, नाउ वी विल गो ऑन द टॉपिक फॉर एग्जाम्पल। जैसे हमको डस्टबिन बनाना चाहिए, मेक अ डस्टबिन फ्रॉम द एम्प्टी कार्डबोर्ड बॉक्सेस विच आर यूज्ड इन पैकिंग, ट्राई टू मेक अ डस्टर, रोप्स, कारपेट एंड फ्रॉम द ओल्ड क्लोथ्स, ट्राई टू मेक अ डेकोरेटिव आइटम फ्रॉम द रैपर्स ऑफ द चॉकलेट। ये हमको वेस्ट में से बेस्ट क्या बना सकते हैं उसका हमको बताया है कि अगर कार्डबोर्ड्स है कुछ पैकिंग के, उसको निकाल के हम डस्टबिन बना सकते हैं, पुराने कपड़ों का हम वो डस्टर वगैरह बना सकते हैं, कारपेट रोप्स बना सकते हैं, और हम जो चॉकलेट्स खाते हैं उसकी जो रैपर्स होते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल कलरफुल दिखते हैं, उसका हम कोई डेकोरेटिव पीस बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टुडे वी विल स्टॉप हियर, नेक्स्ट टॉपिक विल स्टार्ट टुमारो और कंटिन्यू ऑन 24 पेज, वी विल स्टार्ट फ्रॉम 24th पेज। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर चिल्ड्रंस।